मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। चुनाव अभी कब है ये तय नहीं है, मगर मुंब्रा शहर में चुनाव की तैयारी राजनीतिक पार्टियां अब धीरे धीरे कर रही हैं। वहीं मुंब्रा में MIM पार्टी के जावेद सिद्दीकी के दफ्तर का उद्घाटन कल MIM पार्टी के महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट अब्दुल गफ्फार कादरी ने किया है। इस दौरान सैफ पठान, शाह आलम, लिसान अंसारी, जावेद सिद्दीकी, अन्य तमाम कार्यकर्ता उद्घाटन के वक्त मौजूद रहे। वहीं सैफ पठान जब मुंब्रा शहर से बाहर थे तो उन्होंने शहर में वापस लौटने पर कई खुलासे करने का दावा किया था, मगर सैफ पठान को कई महीने मुंब्रा शहर वापस लौटे हो गया है। इन्होंने जो कहा था कि वो मुंब्रा शहर के कई मुद्दों का खुलासा करेंगे और भी कई खुलासों की बात इन्होंने की थी, मगर इन्होंने अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं किया है। शहर की जनता इनके खुलासे जानना चाहती है कि आखिर वो कौन से खुलासे हैं जो ये करना चाहते थे लेकिन कर नहीं रहे हैं। इस दौरान पार्टी ऑफिस के उद्घाटन के दौरान जब सैफ पठान से ये सवाल किया गया कि आप खुलासा करने वाले थे, क्या हुआ, आखिर आपने खुलासा क्यों नहीं किया, तो ये सवाल को टाल गए। पार्टी के दफ्तर के उद्घाटन के वक्त अब्दुल गफ्फार कादरी और सैफ पठान ने क्या कुछ कहा है आपको। गफ्फार साहब, आज MIM पार्टी के यहाँ सनवन नगर पर ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, आपके हाथों से उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे इस मौके पर? मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी है कि मुंब्रा कड़वा के हमारे खजांची ट्रेजरर जावेद भाई, उनके ऑफिस का आज उद्घाटन हुआ है। जावेद भाई की जो बात मैं सुन रहा था, वो OBC समाज से आते हैं और वो फाइटर है, फाइटर मजलिस की ताकत बनाने का काम करते हैं। और सैफ पठान हमारे जो सदर साहब हैं, मुंब्रा में पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि शाह आलम आजमी हो या सैफ पठान हो या उनकी पूरी टीम हो, जावेद भाई हो, इंशाल्लाह मुंब्रा कड़वा का जो हल्का है कॉर्पोरेशन में, उसमें अच्छे नतायज MIM की पार्टी को देखने को मिले। चुनावी रणनीति को लेकर अभी किस तरह का है MIM का बात चल रहा है? आज आप लोगों की जनता के साथ मीटिंग भी है, तो चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है, कितने कैंडिडेट सब आप लोग खड़ा करेंगे? चुनाव कब होगा ये तय नहीं है, मगर इंशाअल्लाह ताला मैक्सिमम सीट्स पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अपनी ताकत पर चुनाव उनके मुद्दों को आगे लेकर चलेंगे। मुद्दे पता था, भाषण में होंगे ना, अब सब बता दिया तो कैसा होगा? मीटिंग के बाद डिक्लेयर किया जाएगा, पब्लिक मीटिंग में डिक्लेयर किया जाएगा, क्यों फिक्र कर नहीं? अभी आप लोग जो है रेस्टोरेंट का मुद्दा लेकर काफी घर तक जा रहे हैं, सब पता था, आप क्यों फिक्र? नहीं तो अभी हम सवाल कर रहे हैं तो आप बताइए ना, आपको जो मुद्दे चाहिए वो भी दूंगा, फिक्र मत। अरे सर चलिए चलिए इतना बोल दीजिए, जो मुद्दों को लेकर सैफ पठान, जावेद सिद्दीकी साहब, शाह आलम आदमी साहब और ये पूरी टीम जो चल रही है MIM की, उसमें आपका कितना सहयोग रहे? क्यों नहीं, 100% भाई, ये तो हमारे मजलिस की पहचान, ये हमारा सैफ पठान है, हमारा आजमी है, ये हमारे नेता है। नहीं, बड़ी कयादत की कमी है ऐसा जो अपोजिशन लोग कहते हैं, बड़ी कयादत की कमी है तो भाई हमारी पार्टी छोटी पार्टी है और छोटी इस वास्ते है कि हम लोग ना कमीशन खाते हैं, ना बिल्डर से 15-20% वसूल करते हैं। हमारा मकसद है खिदमत करने का, पैसा कमाने का, कमीशन खाने का नहीं है। आपके सिपाही अकेले नहीं है, यस सिपाही हमारे साथ में, हम उनके पीछे ताकत से खड़े हैं। पठान, आपसे एक सवाल है, आप जब वापस आए थे, तड़ी पार से वापस आए थे, उसके बाद जो है आपने कहा था कि मैं एक के बाद एक खुलासा करूंगा, आपने कुछ किया नहीं, क्या वजह है, क्यों नहीं? भाई मैंने एक मिनट, कचरे का खुलासा किया, अलग खुलासा किया, लाइब्रेरी का खुलासा किया, हॉस्पिटल का खुलासा किया और उन मुद्दों पे लेकर के सब खुलासों के बाद खुलासा क्या पूछ रहा
कि उसने तुमको कहां कहां चोट दी और तकरीर दी वो खुलासा पता नहीं चले। ये अफवाह भी चल रही है या हकीकत है कि आप इस्तीफा देने की बात चल रही है MIM से, ये कितनी सच है? ये इस पर जवाब देना कोई सही नहीं। मैं आप नहीं, आपने कहा था ना कि मैं एक एक करके सब खुलासे करूं। मैं सुनो, मैं दो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था, पहले मेरा वजूद MIM से और इंशाल्लाह ताला MIM के साथ ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाह अलैह। आप सभी लोग जो न्यूज के चैनल के माध्यम से यहाँ पे आए हैं, जो आपने उमरा शहर की तरक्कियात की बातें, हमारे डॉक्टर साहब जो आए हुए हैं, जो हमारे महाराष्ट्र के ये प्रेसिडेंट हैं, इनको जो है आज सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज हमारा सैफ पठान के ऑफिस के पास जो है जलसा, समझो या तो वहाँ मीटिंग समझो, वहाँ सब खुलासा वो करेंगे, आपको सब बात का खुलासा हो जाएगा।